हिम्मत होनी चाहिए। रॉकेट क्या चीज है? अच्छा, रॉकेट कोई चीज नहीं है। इससे जंगे करोगे इंडिया के साथ? इंशाल्लाह 500 करेंगे। साले को बम से उड़ा दूंगा। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। ये हम पिस्तौल चलाने भी आता है, रॉकेट चलाने भी आता है, सब कुछ चलाना आता है। हम पहाड़ों इलाकों के रहने वाले हैं, परदीर का। जो हमको ऑर्डर देगा ना, इंशाल्लाह ये देखेगा फिर तमाशा। ये पूरा दुनिया तमाशा देखेगा इंडिया नाल की हो रहा है। तुमसे ना हो पाएगा, बात तो सही है। नहीं, इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है। हमारे पास एटम बम है, हम एटमी ताकत है, तो इंडिया की जरूरत नहीं है। वो इंडिया के पास एटम बम नहीं है, लेकिन वो डरता है। मरना है क्या भोसड़े के? 300 जंगे तो बाद की बात है। हमारे जो साबिक आर्मी चीफ है ना, उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि हमारे तो टैंकों में तेल ही कोई नहीं है। या कुफर अमेरिका, चीन, जितने भी कुफर हैं, बेईमान है, इनकी औकात फौजी के भला क्या है? ये पैंपर टैंकों में पैंपर बांध के बैठते भोसड़ी के मदरचोद। हमसे कश्मीर कभी भी छीनने की बात ना करें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कश्मीर के लिए जज्बा रखते हैं। तो आपके 10 फौजी और हमारा एक बच्चा हो तो आप लड़ नहीं सकते। भाग जाओ भोसड़ी के। इंडिया की क्या औकात है? इंडिया हमारे सामने क्या है? अच्छा, हम एटमी ताकत है, खाली धमकी लगा दी जाने इंडिया ना पाओ में आए तो बात कीजिएगा। इनको सिर्फ धमकी की बात है। तू खुद की औकात देख। कल जंग करवा दो, पूरा पाकिस्तान बच्चा बच्चा आगे होगा। वाह बेटा वाह। हम घास खा के भी लड़ेंगे, घास खा के लड़ेंगे। सालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटो। जो हमारे इधर हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी तो हमें ये लगता है कि वो हमसे अच्छे हैं। जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान से अच्छा है, पाकिस्तान कश्मीर से भी अच्छा है। अरे कहना क्या चाहते हो? मोदी या ना मोदी, एक ड्रामेबाज बंदा है। वो कैसे? ये मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, भोसड़ी के मदरचोद। जब भी पाकिस्तान का अगर आप नाम लेंगे तो कश्मीर का मुद्दा जरूर उठेगा। पाकिस्तानी मीडिया ऐसी ऐसी बात बोली है इस वीडियो क्लिप में, मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ आप देख के चौंक जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया बोली है कि हम जंग करने को तैयार है, हमको कश्मीर चाहिए। भाई आपको जरूर वीडियो क्लिप देखनी चाहिए। और दुबई से का भी बयान आया है, वो भी वीडियो क्लिप आपको जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए सीधे चलते हैं पाकिस्तान और वहाँ की मीडिया, वहाँ की जनता इस मुद्दे पे क्या बोल रही है और क्या रिएक्शन है उनका, तब आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। जम्मू एंड कश्मीर की भी बात करते हैं, लेकिन क्या हमने कश्मीरी बच्चों के लिए कुछ किया है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा मकबूजा कश्मीर के हवाले से कि मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और इसको अक़वामे मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, सलामती कौंसिल की जो करारदादें हैं, उनके मुताबिक हल होना चाहिए। और 5 अगस्त 2019 को इसको पर इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया और हमारे जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब ने, उसने कुछ नहीं किया, बस जाके बातें की। इंडिया के कश्मीर की फौरन से बात कर दी। मेरी बात सुने, अगर आप यूनाइटेड नेशन की करारदादे देखें या उनका जो सलूशन है वो देखें, उसमें उन्होंने कहा है कि दोनों जानिब से जो है आर्मी हटाई जाएगी। ना हम तैयार हैं, ना पहले हमें करना है फिर उन्होंने करना है, तो कैसे कश्मीर का फैसला होगा? हम तो करने को तैयार हैं, लेकिन कोई भी नहीं। वो कहता है मैंने इतने पाकिस्तानियों से किया, वो कहते हैं अच्छा हम अपनी आर्मी हटा लेते अगर इंडिया आ गया तो। नहीं, इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है। हमारे पास एटम बम है, हम एटमी ताकत है, तो इंडिया की जरूरत नहीं है। वो इंडिया के पास एटम बम नहीं है, लेकिन वो डरता है। मरना है क्या भोसड़े के? हमारे पास इस्लाम की ताकत है, 22 करोड़ मुसलमान है। आप क्या बात कर रहे हैं? 22 करोड़ जो मुसलमान है। कश्मीर की बात करती हूँ, आप इंडिया का कश्मीर ले आते हैं? नहीं, वो हमारे अटूट अंग है, हमारा हिस्सा है, हमारे कश्मीरी भाई है। इंडिया के कश्मीर की बात की, एक नई रिपोर्ट देती हूँ कि उन्होंने कश्मीर के बच्चों को डिफरेंट एरिया के जो गरीब बच्चे हैं उनको भारत के मुख्तलिफ सिटीज में घुमाया। साथ साथ उनके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने कश्मीरी बच्चों से बात की और कहा आगे बढ़ो जिंदगी में और बड़ा काम करो, इंडिया को आगे बढ़ाओ। वो तो उनको अपने बच्चों की तरह आगे लेके जा रहे हैं और आपने सीधा ठोके मारा कि भाई वो मकबूजा है। नहीं, इस तरह नहीं है, ये गलत है। वो मीडिया दिखा रहा है, इंडिया का मीडिया वो गलत दिखा रहा है। मोदी सरकार जो है वो कश्मीर को पर अपना कब्जा करना चाहता है। साले को बम से उड़ा दूंगा। इधर अपनी आबादियां बसाना चाहता है, हिंदुओं को आबाद करना चाहता है। ये गलत है कि कश्मीरियों को कह रहा है वो आगे आए, कश्मीरियों को वो आगे नहीं आने दे रहे। 300 जंगे वजीर आजम ने कहा है कि करेंगे। किसके ऊपर? कश्मीर के ऊपर। कश्मीर के वो एक नहीं कर सकते, 300 क्या करेंगे? दावा क्यों किया कि 300 करेंगे? इंडिया 4 कर दी, मतलब 296 लास्ट लिमिट है। बस ऐसे ही है, लास्ट ही लिमिट हो सकती है उनकी, क्योंकि वो एक नहीं कर सकते। एक करते तो अब तक तो जंग काफी हो जानी थी। वो डरते हैं, करते ही नहीं है। अच्छा, माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। मामला सिर्फ ये कहते ही है, हमारे हुक्मरान को डरा देते हैं, तो हुक्मरान ऐसे होते हैं साथ ही पैकेज करना शुरू कर देते हैं। काकड़ साहब
साहब ने कहा 300 जंगे करेंगे 300। बस ये तो बेहतर ही अल्लाह जानता है, ये तो हमारे वो एक नहीं कर सकते तो 1000 जंगे क्या करेंगे, 300 कैसे करेंगे। वो 4 होगी मतलब 296 पे हमारी लिमिट खत्म। हाँ जी, वो हमारा छोटा बच्चा उनके साथ 10 फौजियों के साथ लड़ सकता है, उनके फौजी 10 हो हमारा एक बच्चा हो तो वो लड़ सकता है, तो वो हमारे साथ जंग कैसे कर सकते हैं। तो वो जंग नहीं कर सकते, हम अपना कश्मीर छीनेंगे और छीन के अपना पाकिस्तान बनाएंगे। उनको जम्मू एंड कश्मीर तो हमारा हो गया, अब आजाद कश्मीर की बारी है, 2024 का चांद चढ़ने दो फिर देखना। वो कश्मीर कभी नहीं हमसे छीन सकते, हम एक हो जाए और कभी भी वो कश्मीर नहीं छीन सकते। क्या बोला तूने? सकते हमसे, क्योंकि कश्मीर हमारे पाकिस्तानियों का जज्बा और जुनून है, तो वो पाकिस्तान से कभी कश्मीर नहीं छीन सकते। चले, जज्बा जुनून है, आपने बड़ी बात बोल दी कि कश्मीर हमारा जज्बा है, कश्मीर हमारा जुनून है, इतना प्यारा है, तो आजाद कश्मीर में उस तरह से तरक्की क्यों नहीं हो रही जिस तरह से पंजाब में हो रही है, सवाल तो ये भी है ना। हाँ जी, तो वो करेंगे इंशाल्लाह, आगे 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 तरक्की होगी। 77 सालों में नहीं हुआ, आगे तो सेंचुरी होने में भी 23 साल रह गए। तो मिस वो आगे, जब आगे हमारे जो हुक्मरान है वो इंशाल्लाह आगे जैसे आगे हैं तो अभी बेहतर होगा। इंडिया से जो देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे? आप हमसे कश्मीर कभी भी छीनने की बात ना करें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कश्मीर के लिए जज्बा रखते हैं, तो आपके 10 फौजी हो और हमारा एक बच्चा हो तो आप लड़ नहीं सकते। अच्छा, भोसड़ी के मदरचोद हुक्मरानों के कहने पे कश्मीर के नाम पे तो सब आ जाते हैं। वो तो आने आजादी के लिए सब आएगा, आप कल जंग करवा दो पूरा पाकिस्तान, बच्चा बच्चा आगे होगा। मरना है क्या भोसड़ी के? क्यों? जज्बा है जंग का, जरूर आएंगे, ये खड़े किसी भी पूछ ले, अभी कॉल कर दे सब जाएंगे। लेकिन जो अब की हुकूमत है वो पैसों के सर दम पे बैठी हुई है, आप जहाँ आपको पता है सब पता है, ये पैसे की अब है। पैसे की हुकूमत पे ही सब कुछ चल रहा है। कि इंडिया में कितने जामिया हैं जिनका इफ्तिताह वो करते हैं, मुसलमानों को हर जगह पे सपोर्ट करते हैं, उनकी अभी एक नई असम्बली जो है वो ओपन हुई, वहाँ पे उन्हें कुरान पाक की तलावत भी करवाई। ये वो खबरें हैं जिनके ऊपर मैंने खुद काम किया है, मैंने खुद देखी है अपनी आंखों से। देखें, जो आप कह रहे हैं हो सकता है ये अच्छा हो, कि ये सियासत है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है ना, कि आप फेम लेने के लिए कुछ ऐसा करने के लिए आप कुछ ऐसा करोगे कि आपको मुस्लिम की थोड़ी सी आपको कह लेंगे हमायत मिल जाए ना। लेकिन नो डाउट देखें, वहाँ पे मुसलमान सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे, और जो पाकिस्तान है हम आजाद मुल्क में हैं, यहाँ पे तो हम उससे डबल सफ़र कर रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हम आजाद मुल्क में हैं और हमारी जो इनकी पॉलिसीज़ हैं या जो हमारे इधर हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी तो हमें ये लगता है कि वो हमसे अच्छे हैं, जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान से अच्छा है, पाकिस्तान कश्मीर से भी अच्छा है, और पाकिस्तानी जैसे हम आजाद मुल्क में हैं, लाहौर में हैं, तो इससे भी अच्छा है। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे बताएं सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। बहुत तेज हो रहे हैं। जबरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक? लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही, कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। साले को बम से उड़ा दूंगा। कंट्रोल जन्नत। तो मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं पाकिस्तान में, 24 करोड़ बात, ऑलमोस्ट 23 करोड़, 24 करोड़ ही आप लगा ले मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान हो गया तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका होगा? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता, होता है एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो वो फिर मुसलमान तो वहाँ पे ज्यादा है। बिल्कुल, मुसलमान अगर वहाँ पे भी ज्यादा है ना तो ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली वो पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन बाद में जब जंगें हुई, डिवाइडेशन हुई, उसके बाद कश्मीर उनको उनके पास चला गया। कश्मीर पहले था या पाकिस्तान पहले था? कश्मीर पहले था। ठीक है, तो फिर कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट कैसे हुआ, मतलब पाकिस्तान तो बना ही बाद में? एक मेरा बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जब पाकिस्तान बना तो डिवाइडेशन हुई, उसके बाद काफ़ी कोशिश की गई कश्मीर के हवाले से, बहुत सारी लाज लाए गए जो उसके बारे में बात की गई, लेकिन वो जाहिर बात है इंटरनेशनल फोरम पे नहीं ये चीज़ एक्सेप्ट की। आपने देखा कैसे जो है पाकिस्तानी कश्मीर मुद्दे को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए सीधे चलते हैं दुबई से के पास, दुबई से का बयान है, वो भी वीडियो क्लिप आपको जरूर देखनी चाहिए, तो पहले आप दुबई से का बयान सुन लीजिए। अगर हम मतलब किसी को धोखा देगा बहुत इजी है हमारे लिए, लेकिन हम ऊपर वाला से डरता है, हमारे पास फैमिली है, बच्चा है, लेकिन बहुत आदमी लोग फिक्र नहीं करते। हम सकते हैं बोलेगा आओ हम तुम लोग को वीजा देगा, हम तुम लोग को ये करें, तुम लोग हमको भी यकीन मत करो, हम खुद बोलते हैं हमारा जबान से, हमको भी यकीन मत करो।
किसी को भरोसा आजकल बहुत मुश्किल है। भाई भाई से चोरी करते, बेटा बाप से चोरी करते, तुम लोग क्यों नहीं समझते? वल्ला हम किसी को, बहुत आदमी हमको फोन करते हमारा कफील बनेगा, हमारा ये बनेगा। अगर हम मानते पैसे कमाएगा ना, हमारे लिए बहुत इजी है, तुम लोग खुद जानते हैं हमको अच्छे से। लेकिन हम ये काम नहीं मानता करेगा, क्योंकि हमारे ऊपर हिसाब किताब है। लेकिन बहुत आदमी लोग नहीं डरते हिसाब किताब से। वल्ला हमारे लिए बहुत इजी है पैसा बनाने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ने हमको दिया है, जो ऊपर वाले ने हमको दिया है, हमारे लिए काफी है। हम हराम का नहीं मानते हम सब। तो आपने देखा दुबई से का बयान, कैसा लगा आपको? प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।